गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पाठ 6 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाती हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, वैसे राम चार भाई थे। सबसे बड़े राम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनके पिता राजा दशरथ थे। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राम कौशल्या के बेटे थे। पहले बच्चों को शिक्षा गुरुकुल में या गुरु के आश्रम में ही दी जाती थी, राजा हो या निर्धन, सबके बच्चे गुरु के पास आश्रम में रहकर पढ़ते थे। और ये विद्या महीनों कुछ दिनों या कुछ महीनों की नहीं बल्कि वर्षों तक होती थी। 14 साल, 15 साल, 16 साल, 12 साल, मतलब जैसी जिसकी शिक्षा होती थी वैसे वो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। गुरु अपने शिष्यों को जो आदेश देता था वही वे काम करते थे। तो इनको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार भाई थे। ये अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण, गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मैं एक बार मिथिला के राजा जनक के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो उनको पंडितों ने कहा कि अगर आपको सोने का हल चलाएं तो आप मतलब आपके राज्य में बारिश होगी। मैं संक्षिप्त में फिर से बता रही हूँ। राम चार भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इनके माता का, इनके पिता का नाम राजा दशरथ था। ये अयोध्या के राजा थे। और राम की माता कौशल्या थी, भरत की माता कैकेयी थी और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ये इनकी माता सुमित्रा थी। ये चारों भाई गुरु के आश्रम में पढ़ते, गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते थे। शस्त्र अर्थ की विद्या और ज्ञान जो भी शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु के आश्रम में ही रहकर ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार मिथिला के राजा जनक ने एक स्वयंवर रचा। वो क्यों रचा कि राजा जनक के यहाँ दरबार में एक शिव जी का धनुष था जो बहुत ही भारी था, जिसको उठाना किसी के बस का नहीं था, इतना भारी था। एक बार सीता जी ने उसे उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था। राजा जनक ने तब यह प्रतिज्ञा की कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जब ये खबर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर वहां पहुंचे। राजा जनक के दरबार में बहुत से देशों के राजा आए थे अपने पराक्रम दिखाने के लिए और शिव जी के धनुष को उठाने के लिए। शिव जी के धनुष, शिव जी के परशुराम थे, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। दूर राजा जनक के दरबार में आए अनेक राजाओं ने उस धनुष को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को ना उठा सका। गुरु विश्वामित्र के आदेश पर जब राम ने उस धनुष को उठाया वैसे ही धनुष उठ गया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जिससे धनुष टूट गया। सब तरफ जय जयकार होने लगी। जब ये बात परशुराम को पता चली, मुनि को, तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और राजा जनक के दरबार में आए। ये पाठ उसी समय के संवाद का है जिस समय राम ने धनुष तोड़ा था और परशुराम वहाँ पहुँचते तो बहुत क्रोधित होकर के वे पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। तो राम लक्ष्मण संवाद उसी से संबंधित है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में आप अपने बुक में
क्लासअप में सबसे पहले आप इस तरह लिखेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रचयिता तुलसीदास उन्मुखीकरण। पूरा मैंने लिखे लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, पहले लिखेगा उन्मुखीकरण, फिर लिखने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्न, संस्कृत से क्या आशय है। संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती है। दूसरा प्रश्न है, चरित्र निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। चरित्र निर्माण का आधार संस्कृति पर ही होती है, संस्कृति ही होती है। चरित्र निर्माण का आधार संस्कृति ही होती है। व्यक्ति जिस संस्कृति से संबंध रखता है उसके जीवन मूल्य भी उसी संस्कृति के होते हैं। उसके बाद ये उद्देश्य लिखा हुआ है, उद्देश्य लिखेंगे, विधा विशेष लिखेंगे और फिर कवि परिचय लिखेंगे। उसके बाद जब ये जो है आपका शुरू होता है, नाथ संबुधन वंजन हारा होइहे को दास तुम्हारा। इसमें बताया गया है नाथ संबुधन वंजन हारा होइहे होइही क्यों केउ केउ एक दास तुम्हारा। आयुष का कही किन मोही, सुन जिसाई बोली मन बोली, सेवक सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनो राम जे शिवधन तोरा, सह स्वभाव सब सोरिप मोरा। अब इसमें दिया हुआ है कि राम कहते हैं जब क्रोधित होकर परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि किसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा, वो बहुत ही क्रोधित होते हैं। तब राम बहुत ही विनम्र होकर कहते हैं कि हे प्रभु हे नाथ, ये धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा, कृपा कर आप अपने यहाँ आने का कारण बताइए। ये बात सुनकर परशुराम और क्रोधित हुए, बोले तो वो कहते हैं कि कोई आपका सेवक ही होगा। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है कि जो सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, ना कि इस कोई चीज को तोड़ता है, जैसे तुमने धनुष को तोड़ा है। तो सेवक वो आप सेवक वो सेवक नहीं होता है, सेवक रक्षा करता है, नष्ट नहीं करता है। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। परशुराम क्रोधित हुए बोलते हैं सेवक वह है जो सेवा का काम करे, वह शत्रुता का काम नहीं करता है। हे राम तुम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र स्वभाव के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। इन पंक्ति में परशुराम के क्रोधित स्वभाव का चित्रण दिखाई पड़ता है। फिर सेकंड है, सुख मिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। जिसने भी परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह बाहर आ जाए, नहीं तो मेरे क्रोध के कारण सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम मुनि के इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा के कहते हैं, बोले परुष धरे अवमाने, कि आपने जो बहुत धन धन ही तोरी लड़काई, कबो न आश्चर्य से किन्हीं गुसाई। एक मन हे मुनि, मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े लेकिन कभी भी आपने आपका ऐसा क्रोध मुझे दिखाई नहीं दिया। ये धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना ममत्व क्यों है, आपकी ममता इतनी क्यों है। सुन रिसाए कह ड्रिगल के, तो आप इस तरह से जो क्रोधित हो रहे हैं इस धनुष में ऐसा क्या है जिसके कारण आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। देखिए परशुराम जी कहते हैं कि उस धनुष को तोड़ने वाला इस राज समाज से अलग किया जाए, ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ साथ सभी राजा मारे जाएंगे। तभी मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराया, उन्होंने परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे मुनि, हमने बचपन में खेल खेल में कितने ही
धनुष तोड़ दिए। आपने तो कभी हम पर इस प्रकार का क्रोध प्रकट नहीं किया, आखिर इस धनुष से आपका इतना प्रेम क्यों है? ऐसा कौन सा प्रेम है जिसके कारण आप इतने क्रोधित हैं कि इसके कारण आप इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं? लक्ष्मण के इस व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है। फिर आगे कहते हैं, रेर बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, दनुई समति प्रारिध्यन विदित सकल संसार। फिर इसे परशुराम जी लक्ष्मण का क्रोध प्रकट करते हुए कहते हैं, ये जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा क्या आप इस धनुष में है जिससे आपको बहुत इस धनुष से प्रेम है, आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? मैंने तो बचपन में बहुत से धनुष ऐसे तोड़े, कभी तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। तो इस तरह के वचन सुन करके परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम काल के वश में नहीं हो, इसलिए संभल कर बातचीत नहीं कर रहे हो। यह धनुष समान धनुष नहीं है, यह महान शिव का धनुष है और यह संपूर्ण संसार में विख्यात है। लखन कहां हसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जोन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत छूट रघुपति पतिहूं न तोसू, मुनि बिनु कार्य करी कतर रोसू। बोले चितय परुष की ओरा, रेसट सुने सुनहि सुभाव न मोरा। फिर इसमें कहते हैं लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, मेरी समझ से तो सभी धनुष समान होते हैं, मेरी समझ में तो सारे धनुष समान हैं, क्षत्रिय होने का क्या लाभ जो धनुष न तोड़े। जैसे क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, युद्ध करना, रक्षा करना, ये उनका कर्तव्य है। तो धनुष तोड़ना, युद्ध करना, युद्ध तभी करें जब धनुष विद्या आती होगी, धनुष चलाना आता है, बाण चलाना आता होगा, तभी तो आप तभी तो क्षत्रिय युद्ध कर पाएंगे। तो लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं कि मुनि, मेरे समझ में नहीं आता है कि आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, मेरे लिए तो सभी धनुष समान हैं, क्षत्रिय होने का लाभ जो धनुष न तोड़े। ऐसा क्या क्षत्रियों का कोई क्या लाभ है क्षत्रिय होने का जो अगर धनुष न तोड़े। वे भोले नैनों से श्री राम की ओर देखते बोले, यह धनुष तो बहुत ही पुराना और जीर्ण था। यह धनुष जो था, लक्ष्मण राम की तरफ देखते हुए परशुराम जी से कहते हैं, यह धनुष बहुत ही पुराना था और जर्जर था, जीर्ण का मतलब जर्जर, जो छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है, आपको कोई काम धाम नहीं है, इसलिए व्यर्थ में आप हम पर अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। वे अपनी कुल्हाड़ी यानी फरसा जो उनके हाथ में था उसको दिखाते हुए कहते हैं, हे बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता कि मुझे कितना क्रोध होता आता है, तुम इसके बारे में तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो सोच समझ करके बोलो, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है, ये तुम्हारे समय बोलने का नहीं है, जो जिसने भी धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाए। इस तरह की जो है वार्तालाप राम लक्ष्मण और परशुराम में हो रही है, मुख्यतः लक्ष्मण और परशुराम में इस प्रकार की व्याख्या बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है। बालक बोली वधोन नहीं तोली, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बालक ब्रह्मचारी अति कोली, विश्व विदित क्षत्रिय को जोड़ी, भूतल धूम भूत किन किली, विपुल बार मय देवहन देवना दिनी, सहस बाहु कुछ छेदनि हारा, परस विलोक विलोक महीप कुमारा। इसमें परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहते हैं कि तुझे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझ आया है, मैं धरती से क्षत्रियों का नाश करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा यह फरसा बड़ा ही कठोर है, इससे मैंने क्षत्रियों का नाश किया है, अनेक बार अपने भुजबल से भूमि को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है,
मैंने इसी से सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला है, इसलिए तुम जो बोल रहे हो सो समझ कर बोल। और इसमें अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न, शिव धनुष तोड़े जाने का कारण क्या है? शिव धनुष इतना भारी था कि किसी से नहीं उठता था, यह वर्षों से जनक के घर में पड़ा था। एक बार सीता जी ने घर की सफाई करते समय शिव धनुष उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था, इसलिए राजा जनक ने जब सीता का स्वयंवर किया तो यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस पद का केंद्रीय भाव क्या है? ईश्वर कण कण में है, उसकी पूजा मन से की जानी चाहिए, ना कि रीति रिवाज से। यही इस पाठ का, इस पद का केंद्रीय भाव है। पूजा के बारे में कवि क्या कहते हैं? ईश्वर की पूजा मन से की जानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का आडंबर यानी दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति के लिए रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं होती है। मलयगिरी भेदियो भुवंगा विष अमृत दो एक संग, इस पंक्ति का भाव बताइए। मलयगिरी पर सांप रहते हैं, मलयगिरी मलय पर्वत, मलय गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो मलयगिरी यानी उस पर बहुत ही अधिक जहरीले सांप होते हैं। कबीरदास जी ने भी ऐसे एक पंक्तियां लिखी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। संत ने छोड़े संत ही कोटिक मिले असन, मलय भवंग वेदिया शीतलता ना तजन। कहने मतलब जो है, जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं, अपनी अच्छाइयों को नहीं त्यागते हैं। कितना भी उनके साथ कोई बुरा व्यवहार क्यों ना करे, वे अपनी अच्छाइयों को अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार मलय पर्वत पर अनेकों जहरीले सांप लिपटे रहते हैं लेकिन वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार सज्जन मनुष्य को भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मलयगिरी भेदियो भुवंगा विष अमृत दो एक संगा, इस पंक्ति का भाव बताइए। मलयगिरी पर सांप रहते हैं अर्थात अमृत और विष एक ही साथ है। कवि का कहना है कि गुण दोष दोनों ही एक साथ रहते हैं, अर्थात मैं वस्तुओं में शुद्धता और पवित्रता कहाँ से लाऊं? अव्यक्ति सृजनात्मकता, इन प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने कहा कि धनुष बहुत ही पुराना और जर्जर था, जीर्ण था, बहुत ही पुराना हो गया था, और इसीलिए रघुपति यानी उनके बड़े भाई राम के छूते ही वह टूट गया। वे कहते हैं कि मेरे समझ में तो सभी धनुष समान होते हैं, धनुष में कुछ भी विशेषता अलग विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। हमने तो बहुत से धनुष बचपन में खेल में तोड़े, गुरुकुल में तोड़ लिए, लेकिन कभी गुरु ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया, आपने भी उस समय क्रोध नहीं किया। आज इस धनुष पर आपकी ऐसी कौन सी ममता है जिसके कारण आप इतने क्रोधित हो रहे हैं, जिसके टूटने पर आप इतनी अधिक क्रोधित दिखाई दे रहे हैं? क्रोध का केवल नकारात्मक पक्ष ही नहीं सकारात्मक पक्ष भी होता है, पक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। क्रोध भी जीवन में जरूरी है, इसके बिना नहीं रहा जा सकता, इसे निरंतर धारण भी नहीं रखा जा सकता। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के सकारात्मक रूप की सराहना की है और अनायास और ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध से दूर रहने को कहा है। अनायास माने बेफजूल गुस्सा करना, ये उचित नहीं होता है। और एक होता है गुस्सा करना, अगर हम कोई गलती करते हैं और कोई हमें गुस्सा करता है तो उसका कारण होता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, ना कि हम उससे बहस करें, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। और एक होता है बेफजूल बिना गलती के लोग जो क्रोध करते हैं वो उचित नहीं होता है। क्रोध के पक्ष, मानवीय अधिकार के संरक्षण के लिए क्रोध आवश्यक है, नहीं तो भ्रष्ट लोग और स्वतंत्र हो जाएंगे, इस कारण चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। क्रोध मनुष्य में ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों में पाया जाता है, यहाँ तक कि प्रकृति भी कभी कभी क्रोध दिखाती है। प्रकृति क्रोध कैसे दिखाती है? जैसे अर्थक्वेक आना, हाँ, या बाढ़ का आना,
भू संकलन होना, अब ये सब जो है प्रकृति के प्रकोप हैं, क्रोध हैं। क्रोध के विपक्ष में क्रोध की जितनी निंदा की जाए कम है, यह मनुष्य की कमजोरी होती। क्रोध के कारण हमारा सर्वस्व नाश हो सकता है। क्रोध में मनुष्य अंधा बन जाता है, उससे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। क्रोध द्वेष के कारण पैदा होता है, अतः क्रोध पतन का मार्ग होता है। पाठ के आधार पर राम लक्ष्मण और परशुराम के संबंधों की तुलना कर अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपके दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। कर्ता को संवाद के रूप में लिखें, छात्र स्वयं करें, ये दिया हुआ है इसमें। पाठ, इस पाठ में विनय संयम साहस आदि गुणों का सुंदर वर्णन किया। जीवन में इन गुणों के महत्व पर प्रकाश डाला। विनय संयम और हिम्मत तीनों ही गुणों का मानव जीवन में विशेष महत्व है, ये उसे महानता की ओर ले जाते हैं। प्रसिद्ध उक्ति, विद्या ददाति विनयम्। विद्या हमें विनय देती है, विद्या हमें नम्रता देती है, विद्या हमें विनयशील बनाती है। अतः जिसमें विनय भाव नहीं उसकी शिक्षा व्यर्थ है। वो कितना भी शिक्षित क्यों ना आ जाए, अगर व्यक्ति में विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो उसका शिक्षा ग्रहण करना व्यर्थ होता है। संयम हमें संतोष देता है, संतोष को परम सुख कहा गया है। जितना भी है हमें उसी में संतोष रखना चाहिए। दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितना है उसी में ही हमें संतोष रखना चाहिए, उसी में हमें अपना संयम बनाए रखना चाहिए। हिम्मत से ही पुरुषार्थ प्राप्त होता है, इससे प्रेरित होकर असंभव काम भी संभव हो सकता है। भाषा की बात, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए, नयन, नयन यानी नेत्र, नयन ने आँख, नयन चक्षु, रिपु शत्रु दुश्मन। विनय संयम एक एक शब्द के विलोम शब्द से वाक्य प्रयोग कीजिए। विनय अभिनय, विनय का विलोम शब्द क्या होगा, अभिनय। इसका वाक्य प्रयोग हमें उसमें विनय गुण है। संयम, संयम का क्या होगा विलोम शब्द, असंयम। वाक्य क्या होगा, दुख में संयम, हमें दुख में संयम रखना चाहिए। दास शैली एक एक शब्द का वचन बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दास, दास का दास वाक्य, हम वह अपने स्वामी का दास है। शैली शैलियां वाक्य प्रयोग है, साहित्य में विभिन्न शैलियां पाई जाती हैं। महिप कुमार, मृत बालक, इन शब्दों में किस विभक्ति का लोप हुआ है पहचानिए। महिप कुमार, महिप का कुमार, मृत बालक, मृत का बालक, मृत माने राजा, महिप माने भी राजा होता है। तो महिप का कुमार, राजकुमार जिसको बोलते हैं, राजा का बेटा क्या कहेगा, राजकुमार कहलाएगा। तो नृप बालक, नृप का बालक, यहाँ का लोप हुआ है, का विभक्ति का लोप हुआ है। महिप कुमार, महिप का कुमार, नृप कुमार, नृप बालक, नृप का बालक, तो इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है। का संबंध कारक की विभक्ति, का जो है वो संबंध कारक की विभक्ति है। आपको कारक बताया गया होगा, कारक के आठ चिन्ह होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके भी चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अपादान से पर यानी जब अलग होता है, अधिकरण में संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे ओ, ये सब आते हैं, ये कारक के चिन्ह होते हैं। तो इसमें किस विभक्ति का आता है लोप हुआ है, का यानी संबंध कारक का चिन्ह का है, उसका लोप हुआ है। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार लिखिए। मोही कोही तोरा मोरा पाठ में आए कुछ इसी तरह के तुकबंदी शब्द पहचान कर लिखिए। भंजनी हारा तुम्हारा, सिरकाई लड़ाई, समाजा राजा, मुस्काने और माने लड़काई, गुसाई हेतु भृकुल केतु, संभार संसार, जाना समाना, तोरे बोरे, दोसु रोसु, ओरा मोरा, तोही मोही कोही द्रोही, इनी दिनी, चेतनिहारा, महिप कुमार। इसमें जो है शिव धनुष सहस्त्र बाहु महिप कुमार समास का विग्रह कीजिए।
शिव धनुष, शिव का धनुष, तत्पुरुष समास। मही कुमार, मही का कुमार, तत्पुरुष समास। सहस्र बाहु, सौ भुजाओं वाला बहुप्रिय समास। दोहा छंद, दोहा दोहा मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब ये दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए। चौपाई छंद समझिए, एक उदाहरण है, चौपाई का भी ये दिया हुआ है, इसमें पूरी मात्रा दिया हुआ है, किस तरह इसमें लगाए गए चिन्ह लगाए गए हैं पूरा, इसको आप देख लीजिए। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क नीचे देखिए। इसमें तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। राम भक्त कवि होते हुए भी उन्होंने कई नीति दोहों का सृजन किया है। उनके नीति दोहों में से अपने मनपसंद 5 नीति दोहों का संग्रह कर भाव और दोहा छंद की जानकारी से कक्षा में प्रदर्शन करिए। तो परियोजना कार्य आपका दिया है, इसी को ही आपने करना है। नीचे दिया है प्रोजेक्ट पर, ये दोहे मैंने पुरानी ओरिएंटल की हिंदी पुस्तक से संकलित किए। इस परियोजना के कारण मैंने अनेक नीतियाँ सीखी। यह आपका परियोजना कार्य है। बाकी इसमें प्रश्नों के उत्तर इधर पीछे मैंने आपको समझा दिए हैं, इसमें भी प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर से इसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं ये कल आपको फिर से समझा दूंगी। पेज नंबर 137 से मैं आपको कल फिर से समझा दूंगी। नहीं समझ में आएगा तो मैं वो आप वो पीछे वाला भी पूछ लीजिएगा, और नहीं तो मैं कल परियोजना कार्य से यानी पेज नंबर 137 से 143 तक फिर से आपको पूरा समझा दूँगा। धन्यवाद।